वेलकम, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मघी आवाज और आज मैं मौजूद हूँ राजगीर सब्जी मंडी में। आप देख सकते हैं सब्जी मंडी और सब्जी मंडी का समय है खरीदारी का। भीड़ भाड़ कम है, हालांकि सब्जी खरीदा जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? अनुज। अनुज जी, तो अनुज जी ये बताइए हमको, क्या सब्जी महंगा है, ये कैसे चल रहा है? सिम चालीस। हाँ। और कोई महंगा सब्जी और बताइए, जैसे मैं ये फूलगोभी बीस। और अभी कहते हैं ये काफी महंगा चल रहा होगा, इधर दिखा सकते हैं कैसे है? सौ रुपये किलो। मटर 100 रुपये किलो, यानी कुल मिला के मटर 100 रुपये किलो। और देखते हैं इधर भी, तो गाजर भी नजर आ रहा है इनके पास, ये कैसे है भैया? गाजर कैसे है? 40। मतलब चाची जी की सब्जी आपको कौन सा महंगा लग रहा है या सस्ता है इस समय? इस समय तो सब चीज़ महंगा है। तो सब चीज़ महंगा है, तो सब्जी पहले जैसे खरीदते थे आज भी वैसे खरीद रहे हैं, मतलब जितना खरीदते थे पहले टाइम में? नहीं, अभी महंगाई हो गया तो कैसे खरीदेंगे इतना। अच्छा अच्छा, यानी सब्जी आपको महंगा लग रहा है। और भी कुछ लोग हैं तो आइए इनसे भी जान लेते हैं। हाँ साहब, थोड़ा सा भैया कौन सा सब्जी महंगा लग रहा है इस समय? सब्जी महंगा तो देखिए इनका कहना है सब सब्जी महंगा, यानी महंगाई खूब जोर शोर से बढ़ गया, खूब कमात है, महंगाई डैन चिबाए जात है। आइए कुछ दूसरे दुकानदार के पास चलते हैं, क्या हाल है सब्जियों का? कौन है? क्या पूछा साहब? तो पिछले आए 7 दिन में क्या है, मतलब आलू का दाम बढ़ा है या फिर घटा है? आलू का कोई दाम नहीं घटा है, 10-5 रुपया घटा है पसेरी में, उसके सिवाय कुछ नहीं घटा है। तो आलू कैसे किलो है अभी? अभी भी आलू 40 रुपये किलो है। तो कहने का मतलब है जब सब्जी का दाम बढ़ गया है तो पहले जैसा खरीदारी कर रहे हैं या फिर कुछ कम खरीद रहे हैं? बस जो खाने वाला खेबे ना करेगा, थोड़ी ना कम खाएगा, लेकिन कुछ कम मात्रा में खरीदा जा रहा है, उसी में कुछ कम किया जाएगा, मगर जो खाएगा डेली जिसको जो खर्चा है 1 किलो का, वो 1 ही किलो खाएगा। अच्छा, इससे जानते हैं। सुनिए एक सेकंड, ये पत्तगोभी कैसे चल रहा है? 20 रुपये पीस। 20 रुपये पीस। हाँ। आलू का कीमत बताएंगे? ये परवल है, तो परवल का की भाव है अभी? 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो। तो सब्जी पहले महंगा था कि अभी महंगा है? अभी महंगा है। तो 10 दिन बाद यानी 10 दिन पीछे अब क्या रेट है सब्जी का? अब थोड़ा बढ़ा है या घटा है? अब थोड़ा बढ़ा है। थोड़ा बढ़ा है, चारों तरफ थोड़ा सा है, थोड़ा दाम बढ़ गया है। नवंबर बीत चुका है, दिसंबर चल रहा है, ऐसे में हम सब्जी होलसेलर के पास हैं, काफ़ी ज़्यादा सब्जी इनसे खरीदा जाता है। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार जी, थोड़ा आगे आके बोलेंगे क्योंकि कैमरा मतलब आवाज़ नहीं खींच रहा। राहुल कुमार, तो सब्जी का दाम इधर 10 दिन से क्या है, मतलब बढ़ा है या घटा है? घट गया है। तो सबसे महंगा अभी सब्जी में क्या चल रहा है, थोड़ा ज़्यादा महंगा जो है उसको बताएंगे, महंगाई वाला सब्जी? मुनगा। अच्छा, मुनगा चल रहा है। टमाटर कैसे है आपके पास? टमाटर भी है? 50। टमाटर 50 है, और 10 दिन पहले क्या था टमाटर का भाव? 60। तो देख सकते हैं 10 रुपया घटा है, हालांकि कोई परिवर्तन ज़्यादा दाम में उलट फेर नहीं है। आइए जानते हैं खरीदार हैं तो क्या क्या खरीद रहे हैं। सब्जी सबसे पहले आप ही खरीद रहे थे, तो आपको महंगा लग रहा है सब्जी या सस्ता लग रहा है? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब है सब्जी खरीद रहे हैं अभी जैसे महंगा है सब्जी, टमाटर का दाम 50 रुपये है, तो क्या खरीदते हैं जो सस्ता है अभी, मतलब कि महंगा से खरीद रहे हैं? महंगे चल रहा है सब्जी, थोड़ी सस्ता भी चल रहा है, का ही लगा बेचारे क्या कहेगा, गरीब आदमी, गरीब आदमी है क्या कहेगा बेचारा ये। अच्छा अच्छा, तो एक बात और, एक कीमत और छूट गया है, बताना चाहेंगे राहुल जी, आपके पास प्याज है, प्याज का कीमत कैसे है? हालांकि कुछ दिन पहले प्याज ने काफी कोहराम मचाया था, अभी प्याज का क्या समाचार है? 50 है। एक समय था प्याज 180 हुआ करता था, लेकिन अभी 50 है, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी महंगा है। थैंक यू।